यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। AIIMM ने डेंगू महामारी के बीच CMO और नगरपालिका पर उठाया सवाल। आजमगढ़, योगी सरकार जहां डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों के रोकथाम के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दे रही है, तो वही माथत सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते दिखे। बता दें कि आजमगढ़ में डेंगू से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत ही कम बताई जा रही है। वहीं AIIMM पार्टी के तत्वाधान में पार्टी के जिलाध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में शनिवार को जनपद के सभी पदाधिकारियों, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुँच मुबारकपुर में 2 महीने से फैले डेंगू का प्रकोप, जहाँ 35,000 से ज्यादा जनता ग्रसित है, जो कि महामारी का रूप ले चुकी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम आरिफ ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी IN तिवारी के द्वारा अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जहां CMO द्वारा डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या कम बताई जाती है, तो वही प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तादाद हजारों में है। गरीब बुनकरों का प्राइवेट अस्पतालों में महंगी दवाइयों और महंगे जाँचों के बीच इलाज कराना मुश्किल है। आरोप लगाते हुए कहा कि CMO द्वारा मुबारकपुर के मामले में घोर लापरवाही की जा रही है। इतना ही नहीं, इस सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार नगरपालिका प्रशासन भी है। अगर समय रहते गंदे नालों और क्षेत्रों की सफाई ठीक ढंग से करा दिया गया होता, तो आज जनता को इस तरह की महामारी का सामना नहीं करना पड़ता। अब इस सब के बाद भी आजमगढ़ CMO नहीं जागेंगे तो हम उनका घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सालम है, मैं ये विधानसभा अध्यक्ष हूँ। उमरपुर जी, जी। तो क्या समस्या है? वो क्या समस्या वही है कि लोग ज्यादा तादाद में आज के टाइम में हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। हाँ, यही सब चीजें हैं। किस चीज की बीमारी है? हम आए हैं यहाँ। किस चीज बीमार है, क्या बीमारी है? डेंगू प्रशासन कर रहा, डेंगू है ही नहीं वहाँ कुछ। तो भाई ठीक है, उनकी जाँच जो आती है वो डेंगू की आती है। वहाँ प्रशासन करा पूरी व्यवस्था हमारी है, हर चीज है। नहीं, व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था जैसी चाहिए वैसी है नहीं। इसीलिए तो ज्ञापन दिया जा रहा है कि प्रशासन एक्टिव हो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान दिया जाए, उनका जो है अच्छे से अच्छा इलाज हो, बस यही हम चाहते हैं। ये मुबारकपुर में जो डेंगू की बीमारी है वो महामारी का रूप ले चुकी है। लोग बहुत परेशान हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, गरीब के पास इलाज करने का पैसा तक नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि CMO साहब इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं और जो काउंटिंग है उसको भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि DM साहब इसका जो है संज्ञान लें। आपके अनुसार कितने लोग बीमार हैं? मेरे हिसाब से कम मेरी अपने लोगों की जानकारी के हिसाब से ये 25 से लेके 35,000 के बीच में लोग बीमार हैं। बीमार है, प्रशासन तो कह रहा है कुछ सही नहीं। और वही तो इसीलिए तो हम यहाँ आए ना। अगर प्रशासन में CMO साहब ईमानदारी से बात करते और प्रशासन ईमानदार होता तो हमको आज यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हम तो आज के आपका फेस करके ये बात करना चाहते हैं। हम DM साहब से ये बात बताना चाहते हैं, हम ADM साहब से, हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो कह रहा है वो गलत है। हम उसी इलाके के लोगों के साथ और अपने खुद उसी इलाके से आते हैं, तो वहाँ पे 25 से 30,000 हॉस्पिटल क्लिनिक फुल है, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं और गरीब के पास इलाज करने का पैसा नहीं है। प्रशासन वहाँ दौरा करके देख ले। साफ सफाई क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, एकदम प्रशासन समझ लीजिए कि जीरो स्थिति पे खड़ा है। नगर पालिका भी कोई काम नहीं। अगर नगर पालिका आज ये काम की होती तो आज डेंगू की होती पूरे आजमगढ़ में क्यों नहीं बीमारी फैली? वो महामारी को रूप कैसे ले लिया अगर वहाँ नगर पालिका ने काम किया होता? और बहुत दिन से इस बात को उठाया जा रहा है कि सफाई का काम है, मच्छर का काम है, लेकिन नगर पालिका ने कोई एक्शन लिया होता तो आज ये हालत ना होती। तो इसी चीज को हम DM साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, वहाँ की जनता बहुत परेशान है और DM साहब इस बात को संज्ञान में ले। क्या आश्वासन मिला? और कोई है मुबारकपुर का? हाँ।